आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। IRCTC द्वारा 14 फरवरी को पठानकोट से कन्याकुमारी तक चलाई जाने वाली भारत दर्शन पर्यटन विशेष रेलगाड़ी को काफ़ी रेस्पॉन्स मिल रहा है। IRCTC द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत ट्रेन अब कांचीपुरम के बजाय मल्लिकार्जुन तक जाएगी। रांची जयनगर एक्सप्रेस को हटिया की जगह राउरकेला से चलाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। विद्यापति सड़क समिति ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर जयनगर ट्रेन का विस्तार करने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। रांची के यात्री किसी भी सूरत में ट्रेन को राउरकेला नहीं जाने देंगे। यूपी के बरेली कैंट स्टेशन पर रविवार देर रात लोको पायलट ने बिना सिग्नल के ही दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ा दी। ट्रेन ने जैसे ही होम सिग्नल को पार किया, स्टेशन मास्टर के ऑफिस की घंटी बज गई। कंट्रोल को सूचना दी गई। गाड़ी को बरेली कैंट स्टेशन पर रोका गया। दोनों लोको पायलट को उतारा गया। दूसरे लोको पायलट को ड्यूटी देकर गाड़ी रवाना कर दिया गया। मामले गंभीर मानते हुए सीनियर DM ने दोनों लोको पायलट को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया। केथल को सीधे UP से जोड़ने वाली केथल करनाल मेरठ रेल लाइन निर्माण के लिए 2017 में शुरू हुई सर्वे 2019 के अंत में पूरा हो चुका है। अब केंद्र सरकार ने सर्वे पूरा होने के बाद 3290 करोड़ रुपया का बजट का प्रस्ताव भी पास किया है। अब ये प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड के हरे झंडे मिलने के बाद शुरू हो जाएगा। महू इंदौर के बीच बड़ी लाइन के दोहरीकरण के लिए पटरी बिछाने से पहले ब्रिज को चौड़ा करने का काम सोमवार से शुरू कर दिया गया। ब्रिज के चौड़ाकरण के लिए RCC के बॉक्स लगाया जाएगा। रेलवे की कोशिश है कि इस काम को 8 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ब्रिज को चौड़ा करने के लिए दोनों ओर 26 बॉक्स तैयार किया गया है। इससे ये ब्रिज 150 फुट चौड़ा हो जाएगा। ट्रेन के AC कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे पुलिसकर्मी ने TT पर जमकर खाकी का रौब जमाया। टिकट मांगने पर न सिर्फ TT को हड़काया, बल्कि बिना जुर्म देकर कानपुर में उतर गया। ट्वीट पर वीडियो वायरल होने के बाद रेल अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिया है। उज्जैन फतेहाबाद इंदौर के बीच लोकल ट्रेन शुरू हो सकती है। उज्जैन फतेहाबाद गेज परिवर्तन का काम पूरा हो गया है। फरवरी में कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण के बाद इस मार्ग पर लोकल ट्रेन चलने के लिए रतलाम रेल डिवीजन के मुख्यालय के प्रस्ताव भेजा गया है। सोमवार को DRM और सांसद ने रेल सुविधा और समस्या को लेकर बैठक की। ट्रैकमैन की तत्परता के कारण अहमदाबाद से हावड़ा की जा रही अहमदाबाद एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बल बल बच गई। सोमवार की सुबह राजकर सन के पास लाइन फ्रैक्चर हो गई थी। ड्यूटी में तैनात ट्रैकमैन कमल महतो ने इस फ्रैक्चर को देखा और तत्काल इसकी सूचना बड़े अधिकारी सहित स्टेशन मास्टर को दी है। वो डाउन लाइन पर दौड़ते हुए राजकर सन की तरह आया। साथ ही राजकर सन के पास डाउन लाइन पर तेज रफ्तार से आ रही अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस के चालक को लाल झंडे दिखाते हुए गाड़ी को रुकवाया। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल डिवीजन ने इतबारी और जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस का प्रस्ताव
रेलवे बोर्ड को भेजकर लाखों यात्रियों के उम्मीद और बढ़ा दिया है। लेकिन रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्य आप भी इसे ईद बार के बजाय आज से चलाने के अधिक उपयोगी बता रही है। सभी ने एक स्तर में कहा कि निश्चित तौर पर ईद बार से ट्रेन चलाने से रेलवे को कुछ व्यावसायिक फायदा हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के बजाय रेलवे को यात्री की सहूलियत के बारे में अधिक सोचना चाहिए। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इस रूट पर दिल्ली हावड़ा के बीच मिशन के रूप में रेलवे टाइम टेबल 12 घंटे में करेगी। परिचालन में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, इसके तहत बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन और झारखंड के धनबाद रेलवे डिवीजन में आने 417 की भी ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन को फेसिंग किया जाएगा। बिना घोषणा के सोमवार को मुजफ्फरपुर देहरादून राप्तीगंगा एक्सप्रेस ने 4 नंबर प्लेटफॉर्म से अचानक रफ्तार पकड़ ली। इस कारण यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। ये ट्रेन दोपहर करीब 1 बजे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई। इसके बाद 4 नंबर प्लेटफॉर्म से तुरंत राप्तीगंगा एक्सप्रेस चल दी। इलेक्ट्रिक इंजन के कारण ट्रेन ने देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन को जाते देखे लोगों ने चढ़ने की कोशिश की। यात्री को छूटते देख गार्ड ने ट्रेन रुकवाया, तब जाकर छूटे हुए यात्री उसमें चढ़ सका। रेलवे ने एक और जहां ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए आधुनिक सिस्टम लगाई जा रही है। ट्रेनों कंप्यूटर के इशारे पर दौड़ रही है, तो वही बालामो उन्नाव रेलमार्ग के बीच अभी भी अंग्रेजी के जमाने वाले टोकन सिस्टम के ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। रेल प्रशासन इस सिस्टम को हटाकर जल्द ही आधुनिक सिस्टम लगाएगा। रांची और हटिया स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए यात्री ट्रेन जल्द शुरू होगी। रांची रेल डिवीजन के अधिकारी ने बताया कि 10 जोड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू करने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। इन ट्रेनों का परिचालन जनवरी के अंत तक शुरू हो सकती है। रेलवे के विभिन्न यूनियन और सामाजिक संगठन ने इस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए DRM को पत्र लिखा था। लुधियाना से जालंधर सेक्शन के बीच ट्रैक को अपग्रेड करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इस काम को लिफ्टिंग के लिए रेल विभाग की ओर से आधुनिक टेक्निक वाला मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगलवार से राजधानी एक्सप्रेस नई पुल पुश टेक्नोलॉजी से चलने लगी है। ये ट्रेन हर दिन मुंबई से नई दिल्ली के बीच चलेगी। सेंट्रल रेलवे जोन ने एक बयान जारी कर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बढ़िया रेलवे स्टेशन कोरोना काल में ट्रेनों का ठहराव नहीं दिए जाने से नाराज लोगों का अनशन जारी है। ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेल मंत्री और रेल विभाग के बड़े अधिकारी सहित जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी को 5 जनवरी को आवेदन दिया गया था। तो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।